हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस देखो, मेरे पास सिंपली आज लिथियम आयन बैटरीज है। अगर हम इसे चार्ज करते हैं तो ये बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। अगर नॉर्मल मार्केट से लेने जाते हो तो 100% वो खराब होगा ही होगा। अगर आप मेकर बाजार से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसकी बैटरी खराब नहीं होती है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। देखो, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, बस आपको मैं रिकमेंड कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं भी वही बैटरीज यूज कर रहा हूं और आपको भी वही बैटरीज यूज करनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कौन सी बैटरी बेस्ट है, कौन सी बैटरी बेस्ट नहीं। आज का पर टॉपिक हमारा है, इसे किस तरीके से बचा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास देखो तीन बैटरीज है, तीन में से दो बैटरी सेम है, जो कि ये वाली है। देख सकते हो, ये मैंने मेकअप बाजार से परचेस किया था, जो कि 3.7 वोल्ट है और 3000 mAh की है। 3000 mAh की बैटरी है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, काफी इसका बैकअप भी देखने को मिल जाता है। और ये मैंने लोकल मार्केट से मैंने परचेस किया है, 3.7 वोल्ट और 2400 mAh की है। अब ये 100% तो मैं नहीं बोल सकता कि ये 2400 mAh की ही निकलेगी, मेरे ख्याल से ये होना ही चाहिए, तो ये 1200 mAh का ही होगा। देखो, सबसे पहले इसे चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग के लिए हम यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। पहला मॉड्यूल तो हम जो यूज करते हैं वो होता है TP4056 मॉड्यूल, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यह TP4056 मॉड्यूल जो कि यहाँ पर साफ साफ को देखने को भी मिल जाएगा। और ये क्यों यूज करते हैं काफी लोग, कि इस पर प्रोटेक्शन लगा हुआ होता है, इससे हम बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज होने पर भी यहाँ पर ये शो कर देता है। इसके साथ और भी अलग अलग वेरिएंट्स के यहाँ पर हमें मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक मॉड्यूल हमारा ये वाला है। अब ये भी TP4056 मॉड्यूल ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो ये आपको थोड़ा छोटा मिलेगा 1 एम्पियर का। देखो, काफी लोग ये भी सोचते हैं कि इससे आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी हमारी खराब नहीं होगी। 110% है कि खराब नहीं होगा, लेकिन कुछ परसेंट अभी भी है कि ये बैटरी को खराब कर सकता है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 एम्पियर का ये है, इसे चेक करते हैं तो ये भी देखो यहाँ पर ये भी 1 एम्पियर का ही हमें बता रहा है, यानी कि लगभग देखा गया तो ये 1 एम्पियर ही हमें आउटपुट देगा। और हमारी जो बैटरीज होती है वो लगभग कम से कम 1.5 से 2 एम्पियर की लोड लेती है, जैसे कि ये वाली बैटरी को अगर हमें चार्ज करना है तो इस वाली बैटरी के लिए हमें कम से कम यहाँ पर 3 एम्पियर का लोड देना पड़ेगा, 4 एम्पियर तक हम इस पर इनपुट देंगे, जिससे ये खराब नहीं होगा और अच्छी तरह से ये चार्ज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, और भी काफी सारे मेरे पास मॉड्यूल्स हैं जो मुझे आपको दिखाने भी और आगे प्रोजेक्ट्स पर भी यूज करेंगे, लेकिन आप सबको उससे पहले नॉलेज होना चाहिए कौन से लिए, किस लिए, किस लिए, कैसे, सभी कुछ क्लियर करेंगे। देखो, एक हमारा और आता है यहाँ पर, एक VMS। अब काफी लोग ये बोलेंगे भाई ये हम VMS क्यों लगाए इस पर, क्योंकि ये तो हमारी बैटरी खराब होने नहीं वाली है अगर हम इस वाले प्रोटेक्शन को यूज कर लेते हैं। सही आप बोल रहे हो कि प्रोटेक्शन को यूज करोगे तो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक VMS को यूज कर लेते हो तो आपकी जो बैटरी की जो लाइफ होगी वो उतना मैंने बोल सकता, लेकिन 3-4 महीने सालों साल तो आपको ये बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखो 3.7 वोल्ट 1S 1 एम्पियर 18650 लिथियम बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड, ये VMS है, प्रोटेक्शन बोर्ड भी करता है, 1 एम्पियर का ये है। तो 1 एम्पियर वाले पर यूज कर सकते हो, ये अलग अलग वेरिएंट्स के मिलते हैं, 3 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, 5 एम्पियर का VMS आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसका यूज यहाँ पर कर सकते हो। अब फिलहाल अगर आपके पास ये भी ना हो तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि उसके थ्रू आप बैटरी को चार्ज करोगे तो बिल्कुल कभी खराब नहीं होने वाला है। देखो, ये है वो मॉड्यूल। अब आप इसे भी देख करके थोड़ा सा शॉक हो सकते हो कि भाई ये तो पावर बैंक मॉड्यूल है, इससे हमारा क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइप सी USB 5 वोल्ट 1 एम्पियर अ स्टेप अप बूस्ट कन्वर्टर पावर बैंक चार्जिंग मॉड्यूल, यानी कि यहाँ पर आप इसे बैटरी को चार्ज भी कर सकते हो और साथ ही इसके थ्रू आप मोबाइल्स को भी चार्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर 1 एम्पियर बताया जा रहा है, तो समझ लो 1 एम्पियर यहाँ पर सिर्फ आउटपुट करेगा, लेकिन आप अगर जब इसे चार्ज करोगे तो यहाँ पर जो चार्जिंग एम्पियर होगा वो आपके चार्जर पर डिपेंड होगा कि आप यहाँ पर कितने एम्पियर का चार्जर यूज कर रहे हो। जैसे हमारे घर की जो नॉर्मली जो चार्जर्स होते हैं वो कितने एम्पियर के होते हैं, 2 एम्पियर के होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 एम्पियर के होंगे। मेरे पास फिलहाल जो मेरा चार्जर है मैं उससे आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये वाला हमारा चार्जर है, चार्जर पर यहाँ पर देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर, देख सकते हो, मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी कि हमारे जो फोन होता है वो भी 2 एम्पियर का ही सपोर्ट करता है, जबकि हमारा बैटरी कितना होता है 5000 mAh का होता है। और समझो जो 5000 mAh पर 2 एम्पियर यहाँ पर दे रहे हैं तो बैटरी काफ़ी अच्छी तरह लॉन्ग लाइफ तक चलती है। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले पावर बैंक को यूज करते हो, और देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसे ही यूज करो, एक और आता है जो कि माइक्रो टाइप का होता है और ये है टाइप सी वाला, लेकिन मेरे हिसाब से समझो तो ये बेस्ट आपके लिए होगा। ये वाली मॉड्यूल आप ले लेना, इससे आप बैटरी को आसानी से चार्ज करो, बैटरी कभी ख़राब नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। और एक हमारा दूसरा आता है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई हम जैसे कि अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सी बैटरी यूज करें, कौन सा मॉड्यूल यूज करें। तो आप इस वाले पावर बैंक का बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ट्रेवल करना है, ज़्यादा दूर के लिए यूज करना है, तो इस वाले की जगह पर आप यहाँ पर यूज कर लेना इस वाले मॉड्यूल के। यहाँ पर देखो
ये यूएसबी आउटपुट करता है 5 वोल्ट जो कि यहाँ पर 9 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट और 5 वोल्ट 3 एम्पियर का आउटपुट निकालेगा। अभी आप क्लियर हो चुके हो अगर, क्योंकि आप इस वाले मॉड्यूल का यूज करते हो, इससे आपकी जगह बैटरी भी चार्ज हो जाएगी अच्छी खासी और साथ ही यहाँ पर जो आपकी जो फ़ोन होगी वो भी इससे काफ़ी बेटर तरीके से चार्ज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखो हम बैटरीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं इसलिए मैंने इतने सारे कंपोनेंट को मैंने परचेस करके रख लिया है और इससे भी मैं आपको काफ़ी अच्छा पावर बैंक भी बना करके जल्दी दिखाने वाला हूँ और आपके कॉमेंट्स पर भी वीडियोज बनाई जा रही है। तो आप चाहो तो कमेंट करो और कोशिश मैं कर सकता हूँ कि आपके कॉमेंट पर वीडियो मैं बना दूँ। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।